नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आज 13 जनवरी है, संडे का दिन है। राहु काल का समय 4:15 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का रहेगा। इसी के साथ आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 13 जनवरी है, लोहड़ी का पर्व आज के दिन में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ये पर्व जो है मनाया जाता है। इसी के साथ इस दिन के साथ कई सारी कथाएँ जो हैं वो प्रचलित हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि पौष मास का अंत होकर के इस दिन माघ मास की शुरुआत भी हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कई सारी कथाएँ प्रचलित हैं, क्योंकि लोहड़ी का पर्व खासतौर पे नवविवाहित जोड़ों के लिए, नई नवविवाहित लड़कियों के लिए बहुत खास माना जाता है। घर में जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन अग्नि की पूजा की जाती है। और अग्नि की पूजा से एक तरह से मतलब ये निकल के आता है कि अग्नि की पूजा करने से दुर्भाग्य खत्म होता है, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा क्योंकि इस दिन जो नवविवाहित लड़कियाँ होती हैं उनके घर में सिंधारा भी भेजा जाता है, और इसके पीछे तात्पर्य यह है क्योंकि ये देवी सती की याद में इस दिन हवन पूजन किया जाता है। इसलिए भी जो मायका होता है वहाँ से सामान जो है वो लड़कियों के घरों में भेजा जाता है। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं राशियों की, और जानते हैं कि आप सभी के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं द हर्मिट एंड द चैरियट। आप लोगों के लिए आज वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं पर शॉपिंग के प्लान्स बनेंगे। इसके अलावा वाणी में सौम्यता नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं, आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं, किसी संपत्ति से धनार्जन के साधन बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर कुछ संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर कुछ खरीद और बेच के योग जो हैं आज के दिन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेष राशि वाले जो लोग हैं, आज के दिन में आप लोगों को रेवड़ी जो है वो दान करनी है, किसी भी गरीब पे या किसी भी आप धार्मिक स्थल पर जाकर के दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से खासतौर पर आर्थिक समस्याएं जो हैं आपकी वो खत्म होंगी। चलिए बात करेंगे टॉरेंस की, और वृषभ राशि वाले लोग जो हैं उनके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं द सन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज विकार हो सकते हैं। जो लोग लेखन आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी कि राइटर्स जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आज का समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मान सम्मान बढ़ रहा है, साथ ही में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो देखा जाए तो टॉरेंस के लिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपके लिए एक तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जीवन साथी के स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, तो आज तांबे के पात्र में जल भर के उनके सिरहाने पर रखना लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि कार्ड्स निकल रहे हैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आज मन थोड़ा सा शांत रह सकता है, आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी। परिवार के साथ लेकिन धार्मिक यात्राएं करते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश करनी है यात्रा को आप संध्या काल के समय शुरू ना करें, यानी कि शाम के समय आप यात्रा की शुरुआत ना करें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में मूंगफली का दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है, तो नौकरी में कहीं ना कहीं पे परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है, आत्मविश्वास बढ़ेगा आप लोगों का, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। लेकिन आज आपको जो भी बात कहनी है वो सही तरीके से कहनी है, क्योंकि आपकी बातें कहीं ना कहीं पर उनका गहरा प्रभाव आपके सीनियर्स के ऊपर पड़ सकता है, तो जो भी कहेंगे सोच समझ कर करेंगे। इसी के साथ उपाय की बात करी जाए तो आज संध्या काल के समय आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करना बेहद लाभकारी रहेगा। और जैसे कि आज लोहड़ी का पर्व भी है, तो आज जैसे मैंने कहा माँ पार्वती की, माँ सती की पूजा भी इसमें की जाती है। एक कथा है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण से भी वो कथा जुड़ी हुई है, जो कि लोहड़ी के दिन से जुड़ी हुई है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। लेकिन कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आज के दिन में आप लोगों को माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी है। सिंह राशि कार्ड्स निकल रहे हैं फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स इज द रिवर्स कार्ड फॉर यू। आप लोगों को कोशिश करनी है आज अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इमोशंस में बह करके आज कोई भी गलत डिसीजन ना लें, इस बात का ध्यान रखना है। कला संगीत के प्रति आज रुझान बढ़ेगा आप लोगों का, स्वभाव में कहीं ना कहीं पे शाम के समय थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या एंग्जाइटीज़ बढ़ सकती हैं, तो कोशिश करनी है आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और काम को एक टाइम मैनेजमेंट के तरीके से अगर आप हर चीज़ को बैलेंस करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आज गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के भी कोई डिसीजन न लें तो बेहतर है। उपाय की बात करी जाए तो आज के दिन में कपड़े का दान करना, वस्त्रों का दान करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं, नाइन ऑफ वॉन्स एंड एट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है, तो आज आत्मसंयमित रहना आपके लिए ज़रूरी है, दूसरों के काम में दखलअंदाजी नहीं करेंगे तो बेहतर है। व्यर्थ के झगड़े और वाद विवाद
विवादों से बच करके चलें। हालांकि कारोबार का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है आज, लाभ की स्थिति आपके जीवन में एक तरह से संतोषजनक स्थितियों को बढ़ाएगी, सेटिस्फैक्शन आज रहेगा। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आज के दिन में कोशिश करनी है ब्लैक कलर से थोड़ा सा आप दूर रहें, क्योंकि ब्लैक कलर आपकी एंग्जाइटीज को, स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर या फिर ग्रेश कलर्स को, इन शेड्स को आज आप लोगों को अवॉइड करना है। तुला राशि, पेज ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स का, नाइट ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स का निकल रहा है। स्वभाव में कहीं ना कहीं पे चिड़चिड़ापन रह सकता है आज। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं, खर्च ज़्यादा होगा और साथ ही में आपका रहन सहन जो है उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लिब्रंस के लिए थोड़ा सा चीज़ों में आपको कॉशियस रहना है, अपने स्वभाव को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तब तक आपको भी उनकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो आज कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आपको ठीक करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस समय पर भी आप लापरवाही नहीं बरतेंगे तो बेहतर है। हालांकि कारोबार से जुड़ा हुआ जो कर्ज था उसको वापस उतारने के बारे में सोच सकते हैं आज। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आज के दिन में आपको भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना अच्छा है। साथ ही में बांसुरी जो है किसी मंदिर में दान करने से आपके जीवन की मुश्किलें खत्म होंगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, एस ऑफ पेंटाकल्स और पेज ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। तो स्कॉर्पियो के लिए शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे, सही डिसीजन आप लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य विकार हो सकता है, तो आज के दिन में अपने घर में खासतौर पर जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं जो बढ़ रही हैं उसके लिए घर में लोबान की धुनी देना आपके लिए बेहतर रहेगा। वस्त्र आदि पर खर्चे बढ़ेंगे तो इसलिए खर्चों में भी कमी करना जरूरी है। और जैसे मैंने उपाय आपको बताया है, घर में संध्या काल के समय लोबान की धुनी देने से नेगेटिविटी खत्म होगी। चलिए बात करते हैं धनु राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो सैजिटेरियंस के लिए आज के दिन में आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, स्वभाव में कहीं ना कहीं पे चिड़चिड़ापन रहेगा, तो आपको कोशिश करनी है हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम है, किसी भी काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप्स में भी आज कुछ कारोबार ऐसा है जिसको शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने अंदर ज़रूर रखें। उसके लिए आज सुबह सूर्य को जल देना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर की भी चिंताएँ बढ़ सकती हैं, तो आज के दिन में अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा ठीक करने का प्रयास कीजिए। और जैसे मैंने कहा, सुबह उठ करके सूर्य को जल देना है, एक चुटकी उसमें सिंदूर या फिर रोली जो होती है लाल रंग की, वो मिला करके आप जल देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मकर राशि की बात करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड निकल रहा है। तो परिवार के साथ यात्रा पर जाने के प्लान्स बन सकते हैं आज। हालांकि अनियोजित खर्चों में वृद्धि हो सकती है, तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो आज आपको परेशान कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आज खर्चों में कमी करने के लिए थोड़ा सा अपनी लग्जरीज को कट ऑफ करने का प्रयास करें। घर परिवार में धार्मिक कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही आज आपको भी कोशिश करनी है, मेडिटेट जरूर करें। ऐसा करने से आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। कुछ समय के लिए, यानी कि थोड़ा सा ही समय जितना आपको मिल पाता है, उसमें ओम मंत्र का उच्चारण जरूर करें आज। एक्वेरियंस के लिए कार्ड निकल रहा है नाइन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। तो आज के दिन में पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, हालांकि क्रोध और आवेश में आकर के कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। जीवन साथी के साथ भी मतभेद जो है आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन माता पिता का सहयोग, उनका सपोर्ट आज आपको पूरा पूरा मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, उसके लिए उपाय कर लीजिए। आज रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अपने बेडरूम्स में प्लेस करना अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिस्टल प्लेस नहीं कर सकते तो हस्बैंड वाइफ की जॉइंट जो फोटो होती है उसको अपने बेडरूम में किसी भी कॉर्नर पे आप लगा सकते हैं, या कोशिश करें आप ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपस में जो तालमेल है वो बेहतर होगा। पाइसेंस की बात कर लेते हैं, द डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। तो पाइसेंस के लिए मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे व्यर्थ के झगड़े और विवादों से आपको दूर रहने का प्रयास करना है। मित्रों के सहयोग से आज आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिन काफ़ी अच्छा है, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। पाइसेंस के लिए आज के दिन में तिल का दान करना या फिर गुड़ का दान करना बेहद लाभकारी रहेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। और अभी तक भी आप लोगों ने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए।